चलिए देखिएगा, इसके पहले जो बताए थे प्लेन में कुछ थ्योरी, जब एक पॉइंट पास करे और एक जो है ना नॉर्मल टर्म रहे तब, पिछले क्लास में। लेकिन आज जो बताने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट रहे तब उसके लिए क्या होगा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन और इसका कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है। तो सबसे पहले तीन पॉइंट पास करवाते हैं एक फिगर से, देखिए कैसे, जो तीनों नॉन कोलिनियर होना चाहिए। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि तीनों एक ही लाइन में नहीं, क्योंकि अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होता है तो उसका इक्वेशन में जीरो आ जाएगा, टोटल टर्म जीरो आ जाएगा, यानी वो इक्वेशन तैयार नहीं हो पाएगा। तो इक्वेशन तैयार होने के लिए तीनों पॉइंट जो है ना नॉन कोलिनियर होना चाहिए, यानी तीनों एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, तभी वो कोलिनियर हुआ, तभी वो क्या है, ये मेरा इक्वेशन बन के तैयार हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, देखिए अब इस पॉइंट को हम एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया, और तीनों को ऑरिजिन से ज्वाइन करवाते हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, क्लियर। इसका नाम ए वेक्टर देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी वेक्टर, और एक इक्वेशन तैयार करने के लिए एक पॉइंट मानते हैं क्या पी, इसका नाम देते हैं आर वेक्टर, इस तरह से। अब तीनों का नाम मैंने दे दिया है, यहाँ पे ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, और सबको ज्वाइन करते, देखिए तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और यहाँ पे जो एक मैंने नाम दिया है ये ए वेक्टर है, तो ये तो ए वेक्टर है, और यहाँ इक्वेशन तैयार करने के लिए एक पॉइंट आर वेक्टर माने, ठीक है, इक्वेशन तैयार करने के लिए। लेकिन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन है, ए है, बी है और सी है, एक इक्वेशन तैयार करने के लिए आर वेक्टर है, ठीक है। तब इसका वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज आर माइनस ए वेक्टर इंटू बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट रहे और उसका इक्वेशन तैयार करने के लिए हो तो यही फॉर्मूला है आर माइनस ए इंटू बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, क्लियर है। चलिए तो हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे मेरा तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर रहेगा, उसका क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे, क्या कि थ्योरी तो सामने दिख रहा है, जब तक के क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होता है। चलिए देखिए ये मेरा तीन पॉइंट है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट दिख रहा है, पहले तीनों पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम नाम लिखते हैं, ठीक है, देखिएगा तीनों पॉइंट वेक्टर फॉर्म नाम लिखेंगे, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू टू आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री के, और बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, और सी वेक्टर इक्वल्स टू फाइव आई प्लस थ्री जे माइनस थ्री के, क्लियर है। अब इस थ्योरी के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार बी माइनस ए निकाल लेते हैं, बी माइनस ए निकालते हैं, तो बी माइनस ए निकालेंगे, बी में से ए तो क्या है माइनस फोर आई माइनस एट जे और प्लस एट के, क्लियर है। सी माइनस ए निकालते हैं, सी माइनस ए यानी सी माइनस ए, तो फाइव आई में से टू आई तो कितना हुआ थ्री आई और माइनस टू जे और प्लस जीरो के, क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों का क्रॉस कर देंगे, यानी बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो बी माइनस ए जब निकालेंगे देखिए कैसे आई जे, हाँ डिटरमिनेंट कर दिया, तो माइनस फोर माइनस एट एट थ्री माइनस टू और ये जीरो, क्लियर है। अब इसका डिटरमिनेंट का कहानी क्लियर करिए, तो यहां आएगा ये जीरो प्लस सिक्सटीन, इसको बढ़ाएंगे
माइनस जे के सामने, तो 0 माइनस 24, और के सामने तो आ जाएगा +1 और +24। क्लियर है? तो आएगा 16i +24j +32k, ये आ गया दोनों का क्रॉस जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद एक काम करेंगे, डेड फॉर्मूला पर हम चलते हैं, फॉर्मूला पर यहां से चलते हैं। देखिएगा फॉर्मूला का कहानी यहां से चलेगा। द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला है r माइनस a। a तो सामने दिख रहा है, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं a का वैल्यू, तो होगा 2i + 5j - 3k और इनटू, और b कितना क्रॉस इतना का वैल्यू आया है देखिए, 16i + 24j + 32k = 0। अब ये बाहर का मल्टीप्लाई दोनों अंदर में कर दिया जाए, देखिए इतना इंटू 16i + 24j + 32k - बाहर से इतना इसमें भी कर देते हैं, तो 2i + 5j - 3k इंटू 16i + 24j = 32k = 0। क्लियर है? इस तरह से हाँ कुछ लगता है कि कट भी रहा है, देखिएगा थोड़ा कटना, हाँ देखिए। अब इसके बाद देखिए इसमें r⃗ 16i + 24j + 32k - i·i 32 j·j 120 और k·k 96 = 0। और जो भी सोल्यूशन करके आएगा वही मेरा वेक्टर इक्वेशन का टर्म आ जाएगा, वो कंप्लीट आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, जब 3 पॉइंट पास करेगा तब मेरा इक्वेशन निकालने का तरीका है प्लेन के लिए। क्लियर? थोड़ा सा देख लिए, जहां पे डॉट है पूछ लीजिए। जो इक्वेशन हुआ वो आर के फॉर्म में रहेगा, और आर को हटाएंगे तो फिर मेरा एक्स वाई जेड के रूप में आ जाएगा ना, क्योंकि आर का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई वाई जेड और जेड के होता है। ठीक है? तो आर के फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर इक्वेशन है ना, इसलिए आर के फॉर्म में रहने दीजिए। क्लियर? अब जो है इसका वेक्टर के साथ आप कार्टेशियन बताते हैं, जब 3 पॉइंट पास करेगा तब कार्टेशियन इक्वेशन क्या हुआ। क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट एक और ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा पोजीशन जीरो में आता है, जैसे इसका क्या आता है जीरो में आता है, टोटल डिटरमिनेंट से जीरो आता है, तो समझ जाइए कि ये पॉइंट जो तीनों में रखा वो कॉलिनियर पॉइंट था, वो नॉन कॉलिनियर नहीं था, वो क्या था, कॉलिनियर था, तब तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया, तो उस समय मेरा इक्वेशन तैयार नहीं होगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, अब ये कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म जब 3 पॉइंट पास किया वेक्टर फॉर्म के लिए, और जस्ट वैसा ही है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, सिर्फ एक्स वाई जेड के रूप में रहेगा, इसमें भी 3 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट जो पास किया यहाँ ए वेक्टर, इसका नाम दे सकते हैं x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट बी है इसका नाम x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट सी है इसका नाम दे सकते हैं x3 y3 और z3, और जो P पॉइंट हो गया एक्स वाई जेड के रूप में हो गया। क्लियर? तो इस तरह से मेरा एक पॉइंट जो है दिख रहा है, कि एक कंडीशन जो है ना इक्वेशन तैयार करने के लिए मेरा P पॉइंट होता है जो एक्स वाई जेड। अब इसके बाद हम एक कंडीशन और सेट कर सकते हैं, कि जब इक्वेशन तैयार करना है तो x-x1 y-y1 z-z1, x2-x1 y2-y1 z2-z1, और x3-x1 y3-y1 z3-z1 = 0। अब इसका हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जरा देखिएगा, इस पर एक एग्जाम का। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, चलिए देखते हैं। ये 3 पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है। अब इसका देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है, मान लेंगे।
अगर वेक्टर फॉर्म में मानना हुआ तो इसी पॉइंट को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मानना है और उसको हमें सेट कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन में डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स मेरा वन हो गया, वाई माइनस वाई वन मेरा वन हो गया, जेड माइनस 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 प्लस वन हो गया, क्लियर। फिर देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन यानी सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन, फोर माइनस वन और माइनस फाइव प्लस वन, माइनस फोर माइनस वन, माइनस टू माइनस वन और फिर हो गया थ्री माइनस माइनस प्लस इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब इसके बाद जरा देखिए एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन और जेड प्लस वन और यहां पे क्या हो गया फाइव थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस थ्री फोर इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिए कैसे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये आ गया ट्वेल्व और ये माइनस ट्वेल्व और यहां वाई माइनस वाई के सामने तो आएगा ट्वेंटी और माइनस ट्वेंटी और जेड प्लस वन का सामने करेंगे तो माइनस फिफ्टीन और प्लस फिफ्टीन इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब लगता है कि ये पूरा टर्म ही जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ जाएगा और सब जीरो, यानी ये जीरो जीरो आ गया। तो समझ जाइए कि ये तीनों जो पॉइंट था ना एक कॉलिनियर पॉइंट था, ये नॉन कॉलिनियर नहीं था, क्योंकि अगर नॉन कॉलिनियर रहता ना तो मेरा इक्वेशन तैयार हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां भी क्या है ये थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर, थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या था कॉलिनियर था, कॉलिनियर रहने के कारण मेरा इक्वेशन ये तैयार नहीं होगा। यही ध्यान रखना है कि कॉलिनियर रहेगा तो इक्वेशन तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये थ्योरी दिया गया है नॉन कॉलिनियर पॉइंट के लिए जो सामने लिखा हुआ है। तो ये तीन पॉइंट जब रहेगा लेकिन नॉन कॉलिनियर रहेगा तब मेरा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन का कहानी बन सकता है, क्लियर। चलिए तो ये मेरा क्लियर हो गया, वेक्टर और कार्टेशियन जो सामने दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट थ्योरी दें, चलिए थ्योरी देते हैं इसका। देखिए इसमें क्या है कि प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, यानी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तब मेरा वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में। तो जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तब उसका इक्वेशन क्या हुआ वेक्टर के लिए और कार्टेशियन के लिए। तो पहले मैं बता दिया है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आर इंटू एन वन इक्वल टू डी वन, आर इंटू एन टू इक्वल टू डी टू, जब इंटरसेक्ट करेगा तो आर इंटू एन वन प्लस लेमडा एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। अब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए जरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं, पूरा देखिएगा कैसे क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा उसका इक्वेशन, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये इंटरसेक्शन आर इंटू टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के इक्वल टू सेवन, आर इंटू टू आई प्लस फाइव जे प्लस थ्री के इक्वल टू नाइन एंड थ्रो द पॉइंट टू कॉमा वन कॉमा थ्री, ये पॉइंट है और दो प्लेन है। तो फर्स्ट प्लेन में एन वन है और इसको क्या मानेंगे एन टू, इसको डी वन और इसको डी टू, देखिए आर इंटू एन वन डी वन आर इंटू एन टू डी टू और इसका देखिएगा एन वन प्लस लेमडा एन टू द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन आर इंटू एन वन, देखिएगा आर इंटू एन वन, एन वन कितना है टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के प्लस लेमडा और यहां टू आई प्लस फाइव जे प्लस थ्री के इक्वल टू डी वन यानी सेवन प्लस लेमडा इंटू नाइन, क्लियर। जिसमें से इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक कंडीशन टर्म सेट कर सकते हैं क्या, देखिएगा आर वेक्टर इनटू ये लेमडा का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे और आई वाला ट्वाइस में कॉमन कर लेंगे, देखिए ऐसे करेंगे ये टू लेमडा आई हो जाएगा और यहां भी आई होता है टू प्लस टू लेमडा आई कॉमन हो गया, फिर यहां भी फाइव लेमडा जे हो जाएगा और यहां भी जे है तो टू प्लस फाइव लेमडा जे कॉमन, क्लियर है।
लेमडा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री लेमडा के और यहां भी के कॉमन कर लेते हैं तो माइनस थ्री और थ्री लेमडा के ठीक है और इक्वल्स टू यहां लिखा हुआ है सेवन प्लस नाइन लेमडा ऐसा ही रख देते हैं ठीक है। अब इसमें हम एक पॉइंट जो पास कर रहा है इस पॉइंट को हम आर वेक्टर मान लेते हैं लेट पासिंग पॉइंट को मैंने आर वेक्टर मान लिया जो कितना लिखा हुआ है टू आई प्लस जे प्लस थ्री के इसी को हम यहां पे पुट कर दे रहे हैं। देखिए कैसे पुट कर रहे हैं टू आई प्लस जे प्लस थ्री के और इन टू और जो बचा बचा लिख देंगे टू प्लस टू लेमडा आई टू प्लस फाइव लेमडा जे माइनस थ्री प्लस थ्री लेमडा के क्लियर और इक्वल्स टू सेवन प्लस नाइन लेमडा। अब इसमें एक कंडीशन और क्या सेट करेंगे कि i को i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i टू इंटू टू प्लस टू लेमडा j को j से करेंगे तो वन इंटू टू प्लस फाइव लेमडा और k को k से करेंगे थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री लेमडा इक्वल टू सेवन प्लस नाइन लेमडा और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो फोर प्लस फोर लेमडा और टू प्लस फाइव लेमडा माइनस नाइन और नाइन लेमडा इक्वल टू सेवन प्लस नाइन लेमडा और नाइन लेमडा से नाइन लेमडा कैंसिल होगा बचेगा क्या यहाँ पे नाइन लेमडा और यहाँ पे नाइन लेमडा बच गया लेकिन नाइन लेमडा दिख नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ पे एक मिनट थोड़ा हाँ तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे ये हो गया नाइन लेमडा और यहाँ पे चार जो छ में से माइनस तीन तो माइनस तीन आ जाएगा माइनस है प्लस तीन यानी यहाँ पे टेन लेमडा लेकिन कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है कहीं गलत नहीं ना हुआ है तो लेमडा बराबर यहाँ पे आएगा टेन बाई नाइन लेमडा का वैल्यू टेन बाई नाइन ही हुआ हमको लगता है कि माइनस में आना चाहिए टेन बाई नाइन क्या सही है देख लीजिए आएगा माइनस थ्री तो माइनस जाकर प्लस थ्री ठीक तो है यहाँ पे क्लियर और यही लेमडा का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में पुट करेंगे यहां पे से क्या यहां तक सही बनाया हुआ है चलिए पुट करते लेमडा का वैल्यू टेन बाई नाइन यहां भी और यहां भी पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट में तो आर इंटू थोड़ा अटेगा तो नहीं लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं 2i प्लस 2j माइनस 3k और प्लस लेमडा का वैल्यू 10 बाई 9 पुट कर रहे हैं और यहां भी 10 बाई 9 पुट कर रहा हूं 10 बाई 9 और यहां पे आ जाएगा 2i प्लस 5j 2i प्लस 5j प्लस थ्री के ऐसे इक्वल टू सेवन प्लस टेन बाई नाइन इंटू नाइन तो यहां पे अब इसके बाद जो है ना जो भी आएगा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो आर वेक्टर इंटू इसका तो एलसीएम हो जाएगा यहां वन और इतना का तो टू आर यहां पे आएगा अठारह आई प्लस अठारह जे 27 के प्लस 20 आई और प्लस 50 जे और प्लस 30 के ऐसा है और इक्वल टू 17 क्लियर है। अब कट कट जा रहा है तो आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा और क्या अब यहां पे हम देख लेते हैं डायरेक्ट नाइन को मल्टीप्लाई करके इसमें आ जाएगा तो आर वेक्टर इक्वल टू 18 और 20 38 आई 18 और इतना 68 जे और इसका प्लस 3 के और इक्वल टू 153 ये रहा कंप्लीट आंसर। इसका सोल्यूशन आपने कर लीजिएगा बस ये ध्यान रखना है कि जो मेरा 10 बाई 9 आएगा इसमें हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वही मेरा वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा कंप्लीट आंसर आ जाएगा देख लीजिएगा जहां पे डाउट होगा वहां पे क्लियर कर लीजिएगा हल बस
कैलकुलेशन करना है और क्या। चलिए तो रहा वेक्टर इक्वेशन, जब दो प्लेन पे शिफ्ट करेगा तब, दो प्लेन के लिए कार्टेशियन इक्वेशन भी होता है, जिसको नोट कीजिए उसके बाद थ्योरी लिखते उसका। देखिए अब यहां पे क्या है कि कार्टेशियन इक्वेशन में जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, फर्स्ट प्लेन यहाँ ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड प्लस डी वन एंड सेकेंड प्लेन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो, तब मेरा कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल टू जीरो। ये है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा थोड़ा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा जो देखिएगा। इसमें क्या है, देखिए ये दो प्लेन कार्टेशियन फॉर्म के लिए है और इंटरसेप्ट कर रहा है, तब इसका क्या होगा इक्वेशन, तो साफ और फ्रेश फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा सेकेंड प्लेन इक्वल टू जीरो, बस यहां भी करना है द इक्वेशन। सोल्यूशन देखिए, द इक्वेशन फर्स्ट प्लेन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फोर प्लस लेमडा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम एक पॉइंट पास करवा देते हैं, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट टू कॉमा टू कॉमा वन। देखिएगा एक्स के स्थान पर मेरा टू हो जाएगा, वाई के स्थान पर टू हो जाएगा और जेड के स्थान पर भी क्या होगा वन हो जाएगा। सभी में पुट कर दे रहे हैं, एक्स के स्थान पर टू टू प्लस वन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ये टू और टू कट जाएगा तो सिक्स माइनस फोर यानी क्या हो गया टू प्लस लैम्डा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो मेरा थ्री। यहां पर लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा कितना, लैम्डा और माइनस टू आई थ्री, ये लैम्डा का वैल्यू, इसी लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पे देखिएगा कैसे पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट यहां पे थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फोर प्लस लैम्डा का वैल्यू माइनस है माइनस टू आई थ्री, तो माइनस टू आई थ्री और एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि एलसीएम मेरा थ्री हो जाएगा, तो थ्री एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा नाइन एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड माइनस ट्वेल्व और यहाँ टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड और प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो इसका इक्वेशन देखिए नाइन एक्स माइनस टू एक्स सेवन एक्स थ्री वाई और इतना माइनस फाइव वाई सिक्स जेड इतना प्लस फोर जेड और इतना इतना माइनस एट इक्वल टू जीरो। ये रहा जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तब उसका कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है तो इसको ऐसे कर देते हैं, क्लियर। चलिए तो ये रहा दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा कार्टेशियन के लिए। चलिए तो दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वेक्टर और कार्टेशियन दोनों क्लियर कर लिया। चलिए तो अब ऐसा है कि दो प्लेन मालूम रहे तब एंगल निकालने के लिए क्या हुआ, वेक्टर के लिए और कार्टेशियन के लिए। देखिए दो स्ट्रेट लाइन मालूम था तब एंगल निकालने के लिए हम पिछले लेसन में बताए थे, ठीक है, उसमें भी वेक्टर के लिए एंगल और कार्टेशियन के लिए एंगल, लेकिन प्लेन में भी दो प्लेन मालूम रहे वेक्टर फॉर्म में तब उसका एंगल कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, जरा देखते हैं इसके बाद। देखिएगा यहां पर दो प्लेन मालूम है और एंगल निकालना है, तो दो प्लेन किस तरह से वेक्टर फॉर्म के लिए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन आर इंटू एल वन इक्वल टू बी वन आर इंटू एन टू इक्वल टू तो कॉस थीटा और एन वन इंटू एन टू अपॉन मैग्नीट्यूड एन वन एन टू। अब जरा देखिएगा इस पर हम थोड़ा एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, एन वन और एन टू दोनों को डॉट प्रोडक्ट के सहारा और दोनों का मैग्नीट्यूड और डिवाइड, यही है एंगल निकालने का फॉर्मूला जब दो प्लेन के बीच का निकालना होता है। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन चलते हैं, कैसा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर, ये इक्वेशन और ए इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका नाम हम एन वन दे सकते हैं, इसका नाम एन टू, एन वन वेक्टर इक्वल टू टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के और एन टू इक्वल टू थ्री आई माइनस थ्री जे
प्लस 5k, और n1 का हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। n1 का मॉडुलस कैसे निकालेंगे? I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। रूट आ जाएगा, ये आएगा 8, 17। और n2 का भी मॉडुलस निकालते हैं। n2 का मॉडुलस 9 + 9 + 25 यानी 18, 43। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, n1 डॉट n2। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 × 3 आ जाएगा कितना 6, माइनस आ जाएगा 6 − 15, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट -15 आ जाएगा। और एंगल निकालने का फॉर्मूला दिख रहा है, n1 डॉट n2, तो -15 और 15, और n1 का मैग्नीट्यूड भी है √17 और 43, और cos को हम ये सेट रहेंगे तो थीटा का cos इनवर्स मॉडुलस में माइनस प्लस होगा और इतना ही रह जाएगा। ये मेरा एंगल निकालने का बेहतरीन फॉर्मूला था और ये आंसर हो गया कंप्लीट। दो प्लेट का एंगल निकालने का फॉर्मूला, जिसमें इसमें एक चीज ध्यान है कि n1 और n2 का ही यूज किया है, d1 और d2 का ही नहीं हुआ एंगल निकालने, तो ऐसा ही निकालना है। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी होता है, देखिए कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा। देखिएगा इसमें क्या है कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना, लेकिन दोनों प्लेन क्या है कार्टेशियन फॉर्म में है ना, दोनों प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में, तब उसका एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला का कंडीशन। तो यहां लिखा है कि फर्स्ट प्लेन a1x b1 / c1 z + d1, सेकेंड प्लेन a2x b2 / c2 z + d2 = 0, तब एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 दिख रहा है ना, ऐसा लिखा है a1 × b1 × c1 × d2। और यहाँ d1 और d2 कहीं भी नहीं हुआ है, a1 b1 c1 का स्क्वायर रूट, a1 b2 c2 का स्क्वायर रूट, यह है मेरा एंगल निकालने का फॉर्मूला, लेकिन d1 और d2 कहीं भी नहीं हुआ। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, जरा क्वेश्चन दिखाते हैं, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ज्यादा बढ़िया होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अब दो प्लेन के बीच का एंगल का, दो प्लेन के बीच का एंगल इसमें देखिए क्या है, 7x / 5/6z + 13.0 एंड 3x - y - z + 4 = 0। अब दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो साफ एकदम क्लियर है क्या है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे a1 × a2 यानी 7 × 3 + 5 × -1 + 6 × -10। और इसके बाद देखिएगा a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, फिर a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। और इसके बाद देखिएगा cos थीटा बराबर यानी कितना 21 - 5 - 16, और इसका सोल्यूशन करके आ जाएगा 49, 20, ऐसा ही ना। ऊपर में कितना आएगा सदो लेकर बताते जाइएगा फटाफट, ऊपर में कितना आएगा और नीचे में कितना आएगा एक बोल दी, ये तो आएगा 65 में से इतना घटेगा तो 44 आया क्या, 44 माइनस में, और इसका कितना आएगा उनका, इसका 130 आएगा, छ 5 11 11 20 और 3 और 2 5 5 4 9 9 1 9 9 और 2 11 ना 110 आएगा, 110 होगा। और कॉस को इधर लाएंगे, कॉस इनवर्स और मॉडुलस में माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूट रूट समाप्त, तो 110। अब इसका जो है ना हम लिख सकते हैं थीटा बराबर
cos inverse यहाँ पे 22y 55 और भी इसका कर सकते हैं 11 यानी 2y5 कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं cos inverse 2y5 नहीं। तो ये तो एंगल निकालना है इस तरह से प्लेन में।